हेलो फ्रेंड्स, वेल्कम टू माय चैनल क्रिएटिंग वेल्थ। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ सेरामिक एंड ग्रेनाइट सेक्टर से एक स्टॉक, जिसके बारे में आज हम डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे, जानेंगे कि कंपनी किन प्रोडक्ट्स में डील करती है, कंपनी के आगे क्या फ्यूचर प्लान्स हैं, और फ्यूचर प्लान्स को देखते हुए कंपनी के शेयर का क्या टारगेट हो सकता है। कंपनी का नाम है सोमनी सेरामिक्स लिमिटेड। ग्रेनाइट सेक्टर में बढ़िया काम कर रही है कंपनी, टाइल सेक्टर में अच्छा काम कर रही है, एंड साथ के साथ जो है कंपनी के पास में काफी बाथवेयर भी प्रोडक्ट्स मौजूद हैं, सैनिटरी वेयर प्रोडक्ट्स भी कंपनी के पास में काफी मौजूद हैं, तो जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। बेहतरीन कंपनी है, अच्छा खासा इनका जो है एक नाम है, एक ब्रांड इन्होंने जो है एक बना रखा है, और आने वाले टाइम में भी कंपनी जो है एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखाती हुई नजर आएगी। पहले मैं बता दूं कि क्यों ऐसा आगे आने वाले टाइम में इनके लिए एक अच्छा खासा एक परफॉर्मेंस आने वाले टाइम में भी दिखाती हुई ये कंपनी जो है नजर आएगी। सबसे बड़ी बात है, आप लोगों ने देखा होगा जिस तरीके से लोग घरों के आगे भी अपना घर बनवाने के बाद में पेंट कराने की बजाय टाइल्स टाइल्स लगवा देते हैं, घर के अंदर भी और घर के बाहर वाली बाउंड्री पे भी पूरा टाइल्स लगवा देते हैं। तो धीरे 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 क्या है कि लोगों का रुझान हो रहा है कि बार बार पेंट को कौन कराए, टाइल्स लगवाओ, टाइल्स चिपकाओ। तो ये धीरे धीरे क्या है कि एक लोगों की सोच बदल रही है। इन कंपनीज के लिए एक अच्छा खासा फायदा आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा, इस तरीके की सोच जो लोगों की जो हो रही है कि टाइल्स जो लोग लगवा लेते हैं सीलन की वजह से टाइल्स लगवा लेते हैं, कहीं सीलन आती है तो इससे बढ़िया ये है कि पेंट कराया, वो सीलन की वजह से पापड़ी से उछलती है तो टाइल्स लग जाती हैं, बाथरूम्स में तो ऑलरेडी लगती हैं, किचन्स में लगती हैं। लेकिन अब क्या है कि घरों में क्या है कि लोग अंदर अपना कमरा भी बनवाते हैं तो उसमें आधे एरिया तक की, आधे एरिया की जो दीवार है उस पर टाइल्स लगवा लेते हैं लोग सीलन की वजह से। और भी एक अच्छी चीज रहती है, लोग कुछ बच्चे उस पर अगर लिख भी दें तो वो बिगड़ भी जाता है, उसको साफ भी सही से कर सकते हैं। तो ये धीरे धीरे क्या है कि चलन में आ रही है टाइल्स, तो एक तो वहां से फायदा है। दूसरा क्या है कि आने वाले टाइम में जिस तरीके से रियल एस्टेट का जो काम आगे बढ़ता हुआ दिखेगा और रियल एस्टेट का काम जो ग्रोथ पकड़ता हुआ दिखेगा, तो आने वाले टाइम में उनके लिए भी ये काम जो है कंपनी जो जिस तरीके से प्रोडक्ट जो बना रही है तो उनके लिए भी आगे वहां से भी फायदा इनको आता हुआ दिखेगा। सैनिटरी वेयर प्रोडक्ट्स भी जो है कंपनी बना रही है, तो मैं आपके सामने टाइल्स के अगर प्रोडक्ट्स रखूं तो कंपनी जो है वॉल टाइल्स बना रही है, फ्लोर टाइल्स, बाथरूम टाइल्स, किचन, ऑल रूम्स देख सकते हैं, बेडरूम, लिविंग रूम, किचन, बाथरूम, किड्स रूम, आउटडोर टेरेस, टेरेस वॉल क्लैडिंग, स्टेप्स, तो हर तरीके की कंपनी के पास में टाइल्स जो है मौजूद है हर तरीके के यूज के लिए। एंड साथ के साथ सैनिटरी वेयर भी बना रही है, जिसमें टॉयलेट्स, बेसिंस, वैनिटरी कैबिनेट्स, सिटरंस, यूरिनल्स, टॉयलेट सीट्स, बाथ फिटिंग्स में फॉसेट्स, शोअर्स, बाथ फिटिंग एसेसरीज, एलीट प्रोडक्ट्स, कलेक्शंस में आप देखेंगे तो फ्रेंच कलेक्शंस, तो इनके पास में काफी एक अच्छे खासे फ्रेंच कलेक्शंस भी मौजूद हैं। स्मार्ट बाथरूम में आप देखेंगे तो इनके पास में वो भी एक अच्छी खासी कैटेगरी में काफी प्रोडक्ट्स मौजूद हैं। एंड वाटर हीटर्स भी जो है कंपनी जो है बना रही है, तो आप देख सकते हैं कंपनी के पास में एक अच्छे खासे प्रोडक्ट्स मौजूद हैं, बाथ फिटिंग्स में भी एंड सैनिटरी वेयर में भी एंड स्मार्ट बाथरूम में भी। तो धीरे धीरे क्या है कि कंपनी इस प्रोडक्ट की कैटेगरी को भी धीरे धीरे बढ़ा रही है, इसमें भी कंपनी जो है काम कर रही है, इसमें सो मेनी सिग्नेचर, सो मेनी बाथवेयर, फ्रेंच कलेक्शंस, तो इस तरीके से इनकी जो है एक ब्रांड, नामी ग्रामी, एक जानी मानी जो है ब्रांड धीरे 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 बन रही है। तो दोनों ही कैटेगरी क्या है कि ग्रोइंग फेज में है, आने वाले टाइम में इनसे एक अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिलेगी, डिमांड देखने को मिलेगी, लोग क्या है घरों का रिनोवेशन करा रहे हैं तो डिमांड देखने को मिलेगी, घरों को तोड़वा तोड़वा के नए घर बनवा रहे हैं क्योंकि वो अपने तरीके से बनाना चाहते हैं। वर्क फ्रॉम होम की वजह से क्या है कि लोग बाग काफी समय से अपने घरों में रह रहे हैं, जो काफी समय से काम नहीं करा पाए, अपने घरों में रिनोवेशन नहीं करा पाए, वो लोग अपने घरों का रिनोवेशन करवा रहे हैं, अपने घर द्वारा से तोड़वा के नए बनवा रहे हैं, ऐसे काफी काम चल रहे हैं। और तो उससे क्या है कि डिमांड आ रही है, इन प्रोडक्ट्स में डिमांड आ रही है, इनके प्रोडक्ट्स में डिमांड आ रही है, और धीरे धीरे आने वाले टाइम में रियल एस्टेट भी अपना एक मजबूती पकड़ता हुआ नजर आएगा, कंस्ट्रक्शन सेक्टर भी एक मजबूती पकड़ता हुआ नजर आएगा, तो आने वाले टाइम में एक डिमांड अच्छी खासी जनरेट होती हुई नजर आएगी। अभी जो कमेंट्री जो आई है इनके जो मैनेजमेंट की, आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी खासी एक पॉजिटिव कमेंट्री एक मिलती हुई दिखी है इनकी तरफ से, और कंपनी बोल रही है कि फर्दर वी आर नाउ ईगरली लुकिंग फॉरवर्ड टू कंप्लीशन ऑफ आवर एग्रेसिव कैपेक्स प्लान। तो कंपनी जो कैपेक्स प्लान जो कर रही है उस पर भी एक अच्छा खासा कंप्लीशन करती हुई दिखेगी आने वाले टाइम में,
एंड दिस विल हेल्प टू मोनेटाइज इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज। तो जो इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज हैं वो आगे कंपनी जो है उनको कैचअप करती हुई देखेगी। परफॉर्मेंस स्नैपशॉट देखेंगे तो कैपेसिटी एक अच्छी खासी कंपनी के पास में मौजूद है, एंड प्रोडक्शन अगर आप देखेंगे तो एक अच्छी खासी इन्होंने कैपेसिटी का यूटिलाइजेशन किया है। क्वार्टर फोर में 97% टाइल्स की कैपेसिटी यूटिलाइज हुई है, 66% सैनिटरी वेयर, 112% फॉसेट्स। देख सकते हैं एक अच्छी खासी कैपेसिटी का यूटिलाइजेशन होता हुआ दिख रहा है। फाइनेंशियल स्नैपशॉट देखेंगे तो एक अच्छे खासे इनका प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एक अच्छा खासा एक प्रॉफिट भी बढ़ता हुआ नजर आया है। सेल्स वॉल्यूम देखें आप, कंपनी के एक अच्छे खासे एक वॉल्यूम बढ़ते हुए नजर आए हैं हर तरीके से, हर पैरामीटर पे। एंड उससे क्या है कि आने वाले टाइम में जिस तरीके से ग्रोथ देखने को मिल रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी जो देखने को मिल रही है, देख सकते हैं आप कि अच्छी खासी एक प्रॉफिटेबिलिटी देखने को मिल रही है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर ग्रोथ देखें एंड ईयर ऑन ईयर भी अगर ग्रोथ देखें, बहुत ही जबरदस्त एक ग्रोथ देखने को मिल रही है। और आने वाले टाइम में पॉसिबिलिटी है कि ये ग्रोथ जो आ रही है ये आगे सस्टेन होती हुई दिखेगी। आप देख सकते हैं माइनस में चल रही इनका जो है FY20 में माइनस में आया था, माइनस की कंपनी पॉजिटिव आ गई है। देख सकते हैं लॉस में थी पहले, पॉजिटिव में आ गई है, प्रॉफिट में आ गई है। देख सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से और जबरदस्त तरीके से प्रॉफिट में आई है। देख सकते हैं बढ़िया काम कर रही है कंपनी, आने वाले टाइम में भी एक अच्छा खासा काम करती हुई नजर आएगी। प्रोमोटर्स के पास में एक अच्छी खासी होल्डिंग मौजूद है 54.8% की। FIDII के पास में भी एक अच्छी खासी होल्डिंग जो है मौजूद है। एंड साथ के साथ जिस तरीके से जो कंपनी जो काम कर रही है, ये पॉसिबिलिटी है कि बढ़िया काम करती हुई नजर आएगी। शेयर भी यहाँ से एक जबरदस्त तेजी में आता हुआ नजर आएगा। तो फिलहाल आप देखेंगे हमने काफी इन सारे के सारे स्टॉक्स पर ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, और जिसमें ओरिएंट वेल उस पर भी हमने एक, अभी जो सेरामिक्स से जो रिलेटेड है एक शेयर ओरिएंट वेल उस पर भी हमने एक वीडियो बना रखी है। तो आप उन वीडियोस को, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके लिंक दे दूंगा, तो आप वहां से उन सब वीडियोस को देख पाएंगे। और अगर कोई भी स्टॉक्स पे, अगर आपको इन स्टॉक्स में से अगर किसी पे अगर वीडियो अगर हमारी देखनी है, अगर एनालिसिस देखना है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डिटेल में आपको लिंक दे दूंगा, तो वहां से आप सारे के सारे जो स्टॉक्स पे आप बड़े आसानी से उन्हें एक्सेस कर पाएंगे। सो मैनी सेरामिक्स ये देख सकते हैं, ये शेयर का एक जबरदस्त चार्ट देख सकते हैं। स्टार्टिंग से शेयर ने बहुत अच्छी खासी एक रैली दिखाई, वहां से देखेंगे तो एक अच्छा खासा फॉल भी देखने को मिला है शेयर में, और फिर देख सकते हैं एक अच्छा खासा फिर से दोबारा से रिवाइवल देखने को मिल रहा है। और ये रिवाइवल देख सकते हैं आप 61.8% के रेजिस्टेंस तक पहुंच गया है, मतलब पॉजिटिव रेजिस्टेंस तक पहुंच गया है, जहां से बुलिश ट्रेंड इसका एक स्टार्ट होगा, एक अच्छा खासा एक आने वाले टाइम में बुलिश ट्रेंड स्टार्ट होगा लॉन्ग टर्म के लिहाज से। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये है कि शेयर इस महीने और थोड़ा सा एक यहाँ पे परफॉर्मेंस करके दिखाए, ये शेयर इसके ऊपर ही परफॉर्म करता है या इसके नीचे ज्यादा समय तक परफॉर्म करता है, ये देखने की बात होगी। बढ़िया जगह पे शेयर चल रहा है, सिप के थ्रू अगर आप इसको परचेस करना चाहते हैं तो बड़े आराम से आप इसे यहाँ परचेस कर सकते हैं। नीचे आपको जो एक स्टॉप लॉस जो लगा के चलना है, वो स्टॉप लॉस आपको लगा के चलना है करीब करीब 545 रुपए का, 545 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ में आप इसे परचेस कर सकते हैं। पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से ये शेयर बहुत जल्दी ही आने वाले 2 से 4 महीने के अंदर, पॉसिबिलिटी है कि ये शेयर आने वाले 2 से 4 महीने के अंदर अपने एक लाइफ टाइम हाई की तरफ जाता हुआ ये दिखेगा और उसके आसपास पहुंचता हुआ दिखेगा। अगर आप इस शेयर को अपना होल्ड करते हैं अगर 1 से 1.5 साल के अंदर, तो ये 1000+ के भी टारगेट आपको दिखा सकता है, 1000+ का आपको ये दर्शन करा सकता है। एंड शॉर्ट टर्म के लिहाज से अगर देखा जाए, तो शॉर्ट टर्म के लिहाज से अगर आप देखेंगे तो शेयर ने यहाँ पे एक अच्छा खासा जंप लिया है, ये कंसोलिडेशन करने के बाद में, काफी टाइम कंसोलिडेशन करने के बाद में ये जंप लिया है। तो ये वाले बेस को हम एक अपना लो पॉइंट मान के चलेंगे, और यहाँ पे ये इन्होंने अभी इस शेयर ने एक हाई बनाया है, तो ये देख सकते हैं यहाँ से करीब करीब आप देखेंगे तो ये शेयर करीब करीब 2-3 हफ्तों से अपने एक अच्छे खासे बुलिश ट्रेंड में ही रुका हुआ है। यहाँ पे आप इस शेयर को बड़े ही आराम से परचेस कर सकते हैं, नीचे आपको एक डीप स्टॉप लॉस इसमें लगा के चलना पड़ेगा, वो है करीब करीब 575 रुपए का, 575 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ में आप इस शेयर को परचेस कर सकते हैं। जैसा मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में यहाँ से भी ये शेयर एक रैली आपको दिखाता हुआ नजर आएगा, और करीब करीब आपको यहाँ से ये 720 या 725 रुपए तक आने वाले 2 महीने तक ये शेयर जाता हुआ नजर आएगा, आने वाले 2 महीने तक, 2 से 2.5 महीने तक ये शेयर यहाँ से 700 रुपए से 720-725 रुपए तक जाता हुआ नजर आ सकता है। बढ़िया काम कर रही है कंपनी, अच्छी परफॉर्मेंस इसे देखने को मिलेगी आने वाले टाइम में, स्मॉल कैप कंपनी है। और देखेंगे तो आप
एक ईपीएस देखेंगे आप पे शेयर की, तो 14 की शेयर की ईपीएस है, फेस वैल्यू देखेंगे तो 2 की फेस वैल्यू है। एंड आपके सामने अगर डिविडेंड अगर रखा जाए तो डिविडेंड की अगर बात करें तो रेगुलर डिविडेंड पे कर रही है। एंड बोनस भी देखेंगे तो प्रीवियस ईयर्स में इन्होंने एक अच्छे खासे बोनस भी प्रोवाइड कराए हैं। एंड एनुअली अगर प्रॉफिटेबिलिटी अगर देखी जाए तो आप देख सकते हैं एक सस्टेनेबल प्रॉफिटेबिलिटी जनरेट हो रही है, और यहां से देख सकते हैं 2020 के बाद में किस तरीके से एक जंप देखने को मिल रहा है, एक अच्छा खासा। आप देखते हैं मैनेजमेंट अगर अच्छा तरीके से एग्जीक्यूट अगर कर पाता है, अगर सही तरीके से संभाल पाता है, इतना जो रेवेन्यू जो आ रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी जो आ रही है, तो ये शेयर में एक फर्दर मूव और देखने को मिलेगा। पॉसिबिलिटी है कि अगर ये थोड़ा सा अगर डाउन जाता है तो वहां पे आपको एक अच्छे खासे चांसेस बनेंगे, आप परचेस भी कर सकते हैं नीचे। एंड डेप्ट देखेंगे तो डेप्ट भी धीरे धीरे कंपनी जो है कम कर रही है। प्रॉफिटेबिलिटी अगर क्वार्टर टू क्वार्टर देखेंगे तो जून और मार्च और जून के क्वार्टर के बाद में देख सकते हैं जिस तरीके से बढ़ रहा है ये प्रॉफिटेबिलिटी क्वार्टर टू क्वार्टर, तो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से एक अच्छा खासा मूव ये और लेता हुआ दिखेगा। एफआईआईटीआई के पास में जबरदस्त होल्डिंग मौजूद है, एंड प्रोमोटर्स के पास में सॉलिड होल्डिंग मौजूद है, और आरओई अगर आप देखेंगे तो 9% की आरओई है इस कंपनी की, सोमनी सेरामिक्स, स्मॉल कैप कंपनी है, और डेप्ट भी कंपनी के पास में धीरे धीरे और कम करती चली जा रही है। आने वाले टाइम में ये कंपनी एक जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाती हुई नजर आएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक जरूर करिएगा, और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। शेयर में इन्वेस्ट करने से पहले लेकिन आप अपना एक बार जरूर एनालिसिस जरूर करें अपने हैंड पे, वो आपके लिए एक अच्छा रहेगा, आपको एक कन्विक्शन मिलेगी, आपको कॉन्फिडेंस आएगा, तो वो काफी जरूरी है। थैंक यू।